Hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade with Alok. In today's video, we are diving into some important news that is really shocking up the option trading world. So as many of you might know that National Stock Exchange has suspended the weekly expiries of some of our favorite indices, that is Nifty Financial Services, which is also known as FinNifty and Nifty Midcap. एंड एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एक रियली हार्ट ब्रेकिंग है हर ऑप्शन बायर के लिए दैट इज बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरीज को दैट इज एंड कर दिया गया ना दैट इज बहुत लोगों के लिए एक हार्ट ब्रेक है बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड बिलीव मी. देखिए पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब कि लास्ट डेट कौन सा होने वाला है हर एक एक्सपायरीज के लिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है. तो आप इस वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरा देखना, ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ने का जरूरत नहीं है. ये हमारे लिए एक बिगनिंग ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा एक्सपायरी कब लास्ट होने वाला है. देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो निफ्टी का यहाँ पे निफ्टी मिड कैप है जो बैंक निफ्टी का लास्ट डेट होने वाला है वो होने वाला है हर एक का तो 20th नवंबर के पहले ही होगा. ये 20th नवंबर के लिए सबसे पहले हो ही जाएगा, बट जो कि आपका बैंक निफ्टी है वो नवंबर 13th को इसका लास्ट होने वाला है. 13th नवंबर को ये लास्ट एक्सपायरी होगा, उसके बाद हमें बाय बाय बोलना पड़ेगा बैंक निफ्टी को. देन मिड कैप निफ्टी को बोलना पड़ेगा दैट इज 18th को, एंड 19th वो हमारा होगा दैट इज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज व्हिच इज आल्सो नोन एज फिन निफ्टी. तो फिन निफ्टी का लास्ट डेट क्या होगा दैट इज 19th नवंबर. ये 19 नवंबर हमारे लिए लास्ट डेट होने वाला है जो कि 20 के पहले हमें अगर आपको जितना मन कर रहा है आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का आप ट्रेड कर लो. बट ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना है कि ठीक है बैंक निफ्टी खत्म हो गया तो अब आगे कोई ट्रेड नहीं कर सकते. बट ये स्टार्ट ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी है. वो कैसे है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें ट्रेडिंग छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बिगनिंग ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी है. अब कैसे भी बिगनिंग ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी है वो हम देखते हैं, एक एक करके हर एक पॉइंट को समझेंगे. देखिए सबसे पहला फैक्टर आता है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो है लिक्विडिटी. अब कैसे लिक्विडिटी होने वाला है, कैसे होने वाला है, देखिए सिंपल सी बात है. अब लिक्विडिटी होगा क्यों, मोर लिक्विड होगा क्यों, क्योंकि अगर निफ्टी जो भी अब तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में एक्सपायरी होगा और सेंसेक्स में एक्सपायरी होगा एक वीक में, इट मींस अगर मोर एंड मोर इंडाइसेस का अगर वीकली एक्सपायरीज को सस्पेंड कर दिया गया इट मींस दैट द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन विल गो ऑन टू द मंथली एक्सपायरी. मींस वहां पे क्या होगा, स्मूथर प्राइस मूवमेंट होंगे और प्रीमियम भी बेटर प्रीमियम होगा और प्राइस मूवमेंट भी बहुत ज्यादा स्मूदर होगा. क्यों, क्योंकि देखिए अगर मंथली एक्सपायरीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा वीकली एक्सपायरी का झंझट होगा नहीं. इट मींस होगा क्या कि प्राइस भी एक मोमेंटम में मूव करेगा, आपको बहुत बड़ा मोमेंटम देखने में वो नहीं मिलेगा. जो वेग मोमेंटम मिलता था जो कि 20 रुपीज का प्रीमियम दैट इज 200 हो गया 400 हो गया ये देखने को नहीं मिलेगा. सिंपल सी बात, ये एक्सपायरी के दिन भी आपको ये देखने को नहीं मिला है कि 20 रुपए का प्रीमियम 400 रुपए हो गया फिर 300 रुपए हो गया, ऐसा नहीं होगा. सिंपल सी बात है, इन सारे अपॉर्चुनिटीज को कर्व किया गया और जो कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा. मैं इस मतलब से प्रेस करता हूं, ये बहुत पहले ले जाना चाहिए था कि जितने जो एक्सपायरीज हो रहे हैं वीकली एक्सपायरीज को बंद करके मंथली एक्सपायरी लाना चाहिए था. सिंपल सी बात है, दो एक्सपायरी काफी है, एक निफ्टी 50 एंड सेकेंड देयर इज अ सेंसेक्स एक्सपायरी, दो एक्सपायरी काफी है. तो पहला बात हम लोग कर लिए दैट इज मोर लिक्विडिटी होगा, सिर्फ तो मंथली एक्सपायरी होगा जिसके वजह से हम लोग बेटर एंट्री पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं. एंड द टाइम फॉर रिसर्च, इट मींस क्या होगा कि अगर जो भी फ्यूचर्स बाय करते हैं उनके लिए क्या होगा, वो अच्छे तरीके से रोल ओवर कर सकते हैं, अपने पोजिशन को एडजस्ट कर सकते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पूरा मंथ पड़ा हुआ है, वहां से मतलब एडजस्टमेंट बहुत आसान हो जाएगा. तो बस एक नेगेटिव इंपैक्ट इसका यह है कि ये थोड़ा कॉस्टली हो गया, अदरवाइज कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है. लॉट साइज अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, अभी अगर मान लो सिंपल सी बात है अभी आपको 15 मिलता है, अगर मान लो उस समय 75 क्वांटिटी हो गया तो अगर 10 पॉइंट भी अगर ऊपर जाता तो 750 का लॉस और 10 दैट इज ऊपर जाता प्रॉफिट और 10 पॉइंट नीचे जाता 750 का लॉस. तो सिंपल सी बात है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो वही होने वाला है, तो वहां बस अमाउंट का थोड़ा फर्क हो जाएगा दैट इज थोड़ा सा कॉस्टली होने वाला है, अदरवाइज इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है. अगर मेरी बात मानो तो ये एक बिगनिंग ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी है. तो एवरीवन शुड ट्रेड इन दैट इज निफ्टी 50 और सेंसेक्स. ठीक है, अगर आपको दैट इज एंड ऑफ द मंथ आ रहा है तब आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर लो क्योंकि मंथली एक्सपायरीज तो है ही. तो इसी तरह से और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होने वाला है न्यू स्ट्रेटजीज. देखिए क्या होगा कि अभी जब मार्केट बहुत ही स्मूदर वे में बिहेव करेगा तो उस समय हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजीज में थोड़ा दैट इज अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आपको थोड़ा सा चेंजेस करने का जरूरत है, अगर ऑप्शन बायर है तो आपको बहुत ज्यादा चेंजेस करने का जरूरत नहीं है. जो स्ट्रेटजीज आप फॉलो करते आए हो आप वही फॉलो करो, क्योंकि जो चेंजेस लाया गया वो लाया गया कैलेंडर स्प्रेड में.
और कैलेंडर स्प्रेड जो यूज करता है ऑप्शन सेलर करता है ऑप्शन बायर तो करता नहीं है। जो भी चेंजेस लाए गए इसको देखने के बाद मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ट्रेडिंग को एंड कर देना चाहिए, बट एक न्यू अपॉर्चुनिटी जरूर मिला है हमें, तो उस अपॉर्चुनिटी को हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। और जो लोग मार्केट छोड़ रहे हैं नहीं ट्रेड करना चाहते हैं उन्हें ट्रेड नहीं करने दो, हमें उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कम कैपिटल है और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, डेट इज यहाँ पे क्या किया, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर भी मैंने अपने सीरीज स्टार्ट किया है, मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, आप वहां पे जाके उस सीरीज को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरी पॉइंट्स एंड एवरी बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूज, जो भी था मैंने हर एक चीज को क्लियर किया है। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।